बीजेपी ढोंगी है उसको कर रहे हैं, पगलाया हुआ है बीजेपी मंच ऑफ थॉट वही मोदी कर रहे हैं, वही गुरु गुरु ये कर रहे हैं, तो उसने बात के बाद बनाता है इंडिया ये लगकर के आगे कीजिए। जो संगठन हम लोगों ने बनाया है वो बिल्कुल विजयी होगा, हमारी जीत निराकरण श्री कृष्ण भगवान परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ हम लोग के देवता हैं कृष्ण भगवान। इस्कॉन मंदिर में भी गए, लाखों लोग वहाँ लाइन लगा के श्री राधे कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। मेरे पुत्र द्वारा बांके बिहारी शिव मंदिर का स्थापना यहाँ किया गया है। सब का मालिक एक है, राम को हो। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देसवा न्यूज। पूरे देश में धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो ऐसे में राजनेता कैसे पीछे रह सकते थे। और बिहार के सबसे बड़े घराने माने जाने वाले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए बांके बिहारी मंदिर तक जा पहुंचे। जी हाँ, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर से। आप देखिए कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप के साथ मंदिर आए हुए हैं, और मंदिर में बांके बिहारी में जो कृष्ण भगवान है उनका दर्शन कर रहे हैं, उनका पूजा आराधना में लीन नजर आ रहे हैं। वहीं पर जब लालू से पूछा गया कि वो मंदिर में आए हैं क्या चीज मांगे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मंदिर में आकर अपने बेटे का जीत मांगा हूं, और साथ में बीजेपी पर जमकर करारा हमला किया। क्या कुछ कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव, हम आपको सुनवाते हैं। नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, राम जी की जय। हम लोग के देवता हैं कृष्ण भगवान, कृष्ण हमारे देवता हैं, इष्ट देवता हैं। अरे भैया उठना काहे आगे बढ़ा रहे, बोलने दो यार। उस मंदिर में भी गए, यहाँ इस्कॉन मंदिर में भी गए, लाखों लोग वहाँ लाइन लगा के श्री राधे कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। मैं भी प्रणाम किया, नमस्कार किया, उसके बाद तेज प्रताप मेरे पुत्र द्वारा बांके बिहारी शिव मंदिर का स्थापना यहाँ किया गया है। यहाँ भी मैं आकर मथा टेकता हूँ, टेका हूँ, और विश्व शांति प्रदान और रविवार को देवघर भी शपथ की मैं जा रहा हूँ। सोमवार आतवार के समारोह वहाँ पूजा करेंगे, जल्द देंगे सभी लोग। हमें ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ तेज प्रताप को पूरा विजयी बनावें और तरह से निरोग रखें, शांति प्रदान करें। सर, देश के हालात को क्या कहेंगे, जिस तरीके से देश का हालात बना हुआ है उसको क्या? भारत और इंडिया का जंग छिड़ा हुआ, पीछे कर लीजिए ना, छिड़ा हुआ तो सबका निराकरण श्री कृष्ण भगवान परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। इंडिया ये लगकर के आगे कीजिए। जो संगठन हम लोगों ने बनाया है बिल्कुल विजयी होगा, हमारी जीत। चलिए सनातन धर्म को लेकर बात बीजेपी ढोंगी है उसको कर रहे हैं, पगलाया हुआ है बीजेपी, तो बात के बाद बनाता है जिसको जो लगे, जिस देवता को कोई शोर को, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, राम को हो या रहे हो को हो। मोहन भागवत आरक्षण पर भी बोल रहे हैं,
बोले कि बहुत सारे लोगों को अभी तक आप विरोधी है गोरु गोरवलकर ने जो लिखा है देखना भैया नहीं जा रहा पैर मेरा पंच ऑफ थॉट में वही मोदी कर रहे हैं वही गुरु गुरु ये कर रहे हैं मोहन भागवत रिजर्वेशन के खिलाफ बोला पंच ऑफ थॉट में भी नहीं होंगे। जी हां, सुना आपने कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव आज के दिन भी एनडीए पर जमकर बरसे और साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से इंडिया का गठबंधन हुआ है उससे लालू प्रसाद यादव ने बड़ा आरोप लगाया एनडीए पर कि एनडीए पूरी डरी हुई है और यही कारण है कि बार बार भारत का अब जिक्र किया जा रहा है, नाम जिस तरीके से इंडिया से भारत करने को लेकर कहा जा रहा है, तो उस पर लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान देते हुए साफ तौर पर बीजेपी पर बड़ा हमला किया है और क्या कुछ कहें है हमने आपको ये भी सुनवाया। तो फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।